क्लास एट आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर थ्री हाउ मेनी स्क्वेयर के पेज नंबर 44 पजल्स विद 5 स्क्वेयर्स। यहाँ पे एक पजल दिया हुआ है जिसका कुल एरिया है 5 स्क्वेयर सेंटीमीटर। मेजर द साइड ऑफ ए स्मॉल स्क्वेयर ऑन द स्क्वेयर पेपर ऑन पेज 45। मेक एज मेनी शेप्स एज पॉसिबल यूजिंग 5 सच स्क्वेयर्स 3 आर ड्रॉ और यू। मतलब यहाँ पेज नंबर 45 में एक उनको कागज दिया हुआ है, इसमें स्क्वायर बने हुए हैं, यहाँ पे थ्री आकृति हमको बनाकर दी गई है। मतलब तीन प्रकार के यहाँ पर आकृति दी हुई है, अलग अलग प्रकार के शेप्स बने वाली। इसी प्रकार से हमको यहाँ पे बनाना है डिफरेंट प्रकार की। कितनी आकृति बना सकते हैं यहाँ पर हम? 12 प्रकार की आकृति और इसमें बना सकते हैं, जिसका कुल एरिया कितना रहना चाहिए? 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। जिस प्रकार से ये पहला वाला जो दिया है इसका एरिया कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार से इसका भी एरिया कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। मतलब ये एक एक सेंटीमीटर के हैं, तो इसका कुल एरिया हो जाएगा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका भी एरिया कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के यहाँ पर हमको क्या बनाना था? शेप बनाना था। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रॉ? तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 डिफरेंट शेप्स आर ड्रॉ। मतलब हम 12 प्रकार की यहाँ पर आकृतियाँ बना सकते हैं। फिर दिया है बी नंबर का, विच शेप्स हैज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर? हाउ मच? फिर इन द ब्लैंक सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मतलब कि सबसे बड़ा जो पेरीमीटर है वो किसका है? किस आकृति का है? तो हमको यहाँ बतलाना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर वाला, जो सबसे बड़ा जो पेरीमीटर आएगा वो तो कितना जाएगा? 12 सेंटीमीटर। फिर दी ऐसी नंबर का, विच शेप हैज द शॉर्टेस्ट पेरीमीटर? हाउ मच? मतलब सबसे छोटा आकृति का पेरीमीटर कितना है? तो हमको हम बतलाएंगे 10 सेंटीमीटर। फिर दी आईडी नंबर का, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेप? मतलब जो आकृति दी हुई है इनका कुल एरिया कितना है हमको ये बतलाना है। तो इनका कुल एरिया पता चल जाएगा कितना है? 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मान लीजिए यहाँ 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 46 में आएंगे, डिड यू गेट ऑल द 12 शेप्स यूजिंग 5 स्क्वायर्स? मतलब यहाँ पर 5 स्क्वायर्स को मिलाकर अलग विभिन्न प्रकार की कितनी 12 शेप्स दिए हुए हैं बना करके। मतलब इनका कुल एरिया कितना है एक शेप्स का? 5 स्क्वायर सेंटीमीटर है। जैसे कि आप देख रहे हो ये येलो वाला देख रहे हो, इसका कुल एरिया कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। इसका भी देखेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5। ये ग्रीन वाला भी देखेंगे, इसका भी कितना एरिया जाएगा हमारा? 1, 2, 3, 4, 5। मतलब यहाँ पर कुल अलग अलग प्रकार की कितनी 12 शेप्स यानी आकृति दी है, इनका कुल एरिया कितना आ रहा है? 5-5 सेंटीमीटर का है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे टाइल्स बनाने करके दिया हुआ है कि जैसे कि टेक ए प्ले पाइस ऑफ कार्डबोर्ड और टिक पेपर, ड्रॉ ए स्क्वेयर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर ऑन इट। मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पैटर्न को देखकर जीरी जो है अपनी पीली टाइल्स खुद बनाना चाहती है, तुम भी इस तरह के टाइल्स बना सकते हो, है ना। यहाँ पर जो दिया हुआ है येलो कलर की ये टाइल आप बना सकते हो। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक चौकोर मतलब एक स्क्वायर वाला एक कागज लेना है, जिसकी भुजा पर एक त्रिभुज भी मतलब 2 सेंटीमीटर भुजा वाला और एक इस पर एक वर्ग बना हो, जिस प्रकार से चित्र में देख पा रहे हो आप। फिर उसको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में ड्रॉ ए ट्रायंगल ऑन एनी वन ऑफ साइड ऑफ दिस स्क्वायर। मतलब उसमें एक ट्रायंगल बनाना है आपको, जैसे कि चित्र में दिया है। तो यहाँ से आप एक ट्रायंगल ऐसे बना लेंगे आप। फिर दिया है थर्ड स्टेप में आएंगे, ड्रॉ अनदर ट्रायंगल ऑफ द सेम साइज ऑन अनदर साइड ऑफ द स्क्वायर, बट दिस
टाइम ड्रो इट्स इनसाइड द स्क्वायर, मतलब आपको एक जिसे आपका जो बनाए थे आपने ट्रेंगल उसी अंदर के साइड में एक ट्रेंगल आपको यहाँ पर बनाना है। फिर दिया है स्टेप फोर में आपको कट दिस साइड्स फ्रॉम द कार्डबोर्ड, योर टाइल इज रेडी, व्हाट इज इट्स एरिया, मतलब इसका कुल एरिया कितना रहेगा। फिर तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर जो टाइल आप बनाए हो यहाँ से इसको जो कट मारना है, यहाँ से इतना कट कर लेंगे यहाँ एरिया आपको कट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो कुल एरिया निकल के आएगा वो कितना आएगा, 3 × 3 कुल हो जाएगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक चैप्टर समाप्त होता है।